क्या है गोविंदा गोलीकांड का सच, क्या गलती से चली गोली या फिर कहानी में है कोई झोल। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इस समय काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं। 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार को गोविंदा को अपनी रिवॉल्वर से गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा के पैर में उनकी ही रिवॉल्वर से मिसफायर हुआ, उनके घुटने में गोली लगी। फिलहाल गोविंदा अस्पताल में भर्ती है। जी हाँ, गोविंदा के मैनेजर ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिर गोविंदा 1 अक्टूबर को सुबह अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर लेकर कहाँ जा रहे थे। मैनेजर से मिली जानकारी के अनुसार एक्टर सुबह 4:45 पर मुंबई से कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। गोविंदा के मैनेजर ने अपने बयान में कहा कि एक्टर और शिवसेना नेता गोविंदा कोलकाता जाने वाले थे, जहाँ उनकी पत्नी सुनीता पहले से मौजूद थी। जी हाँ, गोविंदा के मैनेजर शशि सिरा ने अपने बयान में कहा कि कोलकाता जाने से पहले गोविंदा अपनी रिवॉल्वर बैग में रख रहे थे, अचानक गन उनके हाथ से छूट गई और गोली चल गई। गोविंदा के पैर में गोली लगने के बाद कई तरह की यहाँ बातें सामने आ रही है, लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है वो सवाल। सुबह 4:45 पर मुंबई से कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे गोविंदा अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर साफ करने लगते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि गोविंदा अपने साथ रिवॉल्वर कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट में गन लेकर जाने की अनुमति नहीं होती है। पत्नी सुनीता के पास जाने के लिए गोविंदा को रिवॉल्वर रखने की क्या जरूरत पड़ी। गोविंदा मुंबई एयरपोर्ट के निकलने से पहले अपनी रिवॉल्वर को साफ करने का आखिर ख्याल उन्हें क्यों आया। क्या सच में गोविंदा को गलती से गोली लगी या फिर इसके पीछे कोई और राज है। आपको बता दें कि गोविंदा को गोली लगने को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें की जा रही है। लोगों का यहां तक कहना है कि गोविंदा के साथ ये सब गलती से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कोई और बात भी हो सकती है। पुलिस ने रिवॉल्वर को अपने कब्जे में ले लिया है। एक्टर को गोली लगने के बाद फिलहाल पुलिस ने रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया है और इस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।